नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों बात करते हैं 132 डे की रैंकिंग की, क्योंकि ये छह खिलाड़ी काफी जम के खेल रहे हैं। बिग बॉस का ये खेला लास्ट चरण चल रहा है और बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रहे हैं। बट इस ट्विस्ट एंड टर्न्स में किसने कौन से नंबर पे बाजी मारी है ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही ये शो होते हैं। कौन कितनी देर तक दिखाई देता है स्क्रीन पे, किसने क्या किया है, ये सारी बातें होती हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे, धन्यवाद। तो शुरू करते हैं नंबर छह से। तो नंबर छह पे निक्की तंबोली बनी हुई है। निक्की तंबोली को कल टिकट टू फिनाले तो मिल गया रूबीना के कारण, रूबीना ने उनको टिकट टू फिनाले दे दिया, मगर जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो निक्की तंबोली बाकी सबसे थोड़ा कम ही परफॉर्म करती हुई नजर आई। इससे पहले जो दिन था 131 था उसमें उसने काफी कुछ किया था, बट कल उसने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया, दूसरों का मजाक उड़ाती हुई नजर आई। तो ओवरऑल अगर माने तो निक्की तंबोली को बाकियों के कंपैरेटिवली नंबर छह पे रखना बिल्कुल ही करेक्ट होगा, भले ही वो फिनाले में पहुंच चुकी है। नंबर पांच पे आती है राखी सावंत। राखी सावंत के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं रहती है, टास्क हो ना हो, वो टास्क में रहे ना रहे, वो अपना काम करती ही रहती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बिग बॉस के शो में आई हूं और शो का क्या है पर्पस। तो इसीलिए कल भी उन्होंने देखा कि जब सब कुछ चल रहा है टास्क में वो नहीं है और ना ही वो किसी की सपोर्टर बन सकती है, उससे उनका नुकसान होगा, लोग फिर उनको ही आके बोलेंगे। उसने एक अलग सा वे आउट निकाला और वो बन गई रानी, यानी कि बैंडिट क्वीन बन के घूम रही थी। तो ऐसा कुछ करके राखी सावंत ने कल भी एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रखी अपनी तरफ से, बट बाकी लोग जो टास्क में थे उनका जलवा ही कुछ अलग था, इसीलिए राखी सावंत को रखते हैं नंबर पांच पे। नंबर चार पे हैं दोस्तों देवोलीना। देवोलीना की भविष्यवाणी कल होगी सत्य, यानी कि पारस छाबड़ा ने रूबीना को जिता दिया टिकट टू फिनाले, जबकि वो डिजर्व नहीं करती थी, खुद ही मान चुकी थी, हार के बैठ चुकी थी, मगर फिर भी नया ट्विस्ट एंड टर्न लेके पारस छाबड़ा ने अपना दिमाग लगाया और जिता दिया। ये बात देवोलीना पहले ही कह चुकी थी, अब इसी बात को लेके वो इतना ज्यादा भड़क रही थी, अंदर बाहर चीजें पकड़ रही थी, विंदु दारा सिंह के साथ लड़ रही थी और फिर उठा उठा के पटकने की कोशिश कर रही थी। तो ओवरऑल बाहर अंदर घूम घूम के देवोलीना ने कल खूब फोटेज ली और बार बार कहती नजर आई, मैंने पहले ही कहा था आप लोग सुनते नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देवोलीना को देते हैं नंबर चार। नंबर तीन पे दोस्तों आ गए हैं अली गोनी। अली गोनी को कल थोड़ा सा ये फील हुआ कि रूबीना की सपोर्ट ज्यादा हो रही है, उनकी सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है, और क्योंकि राहुल भी गेम में बना हुआ था तो उनकी सपोर्ट करता तो करता कौन, बट यहाँ पे अगर कोई किसी को सपोर्ट ना करता, सिर्फ सपोर्टर्स ही सपोर्ट करते तो शायद अली गोनी को गुस्सा नहीं आता। अली गोनी का पॉइंट वाजिब था, मगर बिग बॉस भी तो यहाँ पे मजे लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे ये क्लोज रखा था कि अगर आपकी मर्जी है करना है सपोर्ट करो, खाली मत बैठो, तो वो सपोर्ट कर रहे थे और ये पूरा का पूरा मामला बहुत गरम हुआ। अली गोनी बहुत भड़के कि अगर मैं इस बार निकल गया तो टास्क रद्द होगा ही होगा। तो ये सब करते हुए अली गोनी नजर आई, यहां पे रूबीना समझाती हुई नजर आई, वो मामला कुछ और लेवल पे पहुंचा, जैस्मिन के साथ झगड़ा हो गया। तो अली गोनी के कारण काफी सारी फुटेज कल के दिन देखने को मिली है और अली गोनी भी दिखे हैं काफी सारी फुटेज में। तो अली गोनी आते हैं नंबर तीन के ऊपर। नंबर दो पे है रूबीना दिलायक। हमेशा सच्ची और हमेशा सही बोलने वाली लड़की रूबीना दिलायक, वो कभी याद नहीं रखती अपनी बातें कि मैंने पहले क्या किया था अब क्या किया, वो नाव पे भी विश्वास करती है अभी मैं क्या कर रही हूं, तो वही उन्होंने कल भी किया। फुटेज बहुत जनरेट की जहां पे उनको लगा कि उनकी बहन को बोलना चाहिए, जैसे कि वो जैस्मिन के साथ लड़ रही थी तो उनको वहां पे मना करना इतना जरूरी नहीं लगा, जहां पे उनको लगा किसी और के साथ बहस कर रही है उनको मना करती हुई नजर आई। तो सॉर्ट ऑफ कहना जरूरी है कि रूबीना दिलायक बहुत ही सिलेक्टिव है और बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी बातों को डिजाइन करती हुई और लोगों के दिमाग में डालती हुई नजर आती है, जो उन्होंने कल भी किया। टास्क को लेके भी उन्होंने वही चीजें की, राहुल से बहस करनी शुरू कर दी, राहुल को जिस बात से चिढ़ है वही बात उन्होंने की, काम कर अपना जाके, तो ये चीजें उन्होंने की और साथ में राहुल के साथ लड़ाई की, जैस्मिन के साथ लड़ाई की और बाहर की दुनिया की तो बात ही क्या है। तो बाहर जो खड़े थे उनके साथ भी जैसे विंदु दारा सिंह के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आई, उनको पता है कि ऑडियंस को कौन सा पॉइंट जो है अच्छा लगेगा वहीं पे वो स्टैंड ले जाती है, ये तो तारीफ उनकी करनी पड़ेगी। तो इसलिए रूबीना दिलायक आती है नंबर दो पे। We'll be right back.
हैं राहुल वैद्य। राहुल वैद्य के साथ जो कल खेल खेला गया है, किसी के भी द्वारा हो, पारस हो, बिग बॉस हो या जो भी हो, उसने राहुल वैद्य का फायदा ही किया है। राहुल वैद्य के साथ निक्की ने भी खेल खेला। अब निक्की ने खेल खेला तो निक्की का अपना एक पॉइंट था, वो उसने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी की, मगर राहुल नहीं माने, तो निक्की की वजह से वो परेशान थे। अली गोनी के साथ भी उनका जो हुआ वो भी परेशान थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने अली गोनी से दोस्ती नहीं तोड़ी। तो राहुल वैद्य इन परेशानियों के दौरान भी टास्क अपना खेलते हुए नजर आए और सबसे ज्यादा गोनियां इकट्ठे करते हुए नजर आए, मगर पारस छाबड़ा ने बाजी पलट दी। मगर फिर भी नहीं हारे कौन, राहुल वैद्य। उन्होंने फिर भी पारस छाबड़ा से बकायदा बहस की, बकायदा लड़ाई की, अली गोनी भी आए सामने, मगर पारस छाबड़ा तो पारस छाबड़ा भाई मानेंगे नहीं। बट इस पूरे के पूरे सीन में राहुल वैद्य कुछ अलग ही तरह से लोगों की नजरों में आए, उनका हार्ट जो है जीतते हुए नजर आए, ये कहना जरूरी है। क्योंकि जब ज्योतिका इंटरफेयर कर रही थी राहुल वैद्य से, जानबूझ के पंगे ले रही थी, तो राहुल वैद्य ने बड़ा दिल दिखा के रुबीना दलाय को बोला कि ये मेरी ही छोटी बहन है, तो इसको मना करो ना पड़े, नहीं तो मेरे से भी चुप नहीं रहा जाएगा। तो ये बात बहुत बड़ी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखते हुए राहुल वैद्य नजर आए, नहीं तो वो भी कुछ का कुछ कह सकते थे। तो ओवरऑल अगर देखें तो कल के दिन के लिए राहुल वैद्य को मिलता है नंबर वन। तो दोस्तों ये थी हमारी रैंकिंग 132 डे की, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।